आर्मर ऑपरेशन मिडनाइट सन्स पिटो टेस्टमेंट MS-002 केल जेनिफर। केल जेनिफर कह रही थी हेटोपज व्हाट्सअप गर्लफ्रेंड, अगर तुम्हें ये रिकॉर्डिंग मिली है तो ये इसलिए क्योंकि उन ब्रेन मचेस को ट्रैक डाउन करके वापस आकर मैं ये नहीं कर सकती। मेरा मतलब है हर सुपर हीरो टीम में एक टोकन वूमन होती है और हमारे टीम में मैं हूँ। रसल ने मुझे पहले ही एक नाम दिया है नॉर्मल कर मॉन्स्टर से, इसलिए मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ और अच्छी तरह से साबित करना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे कुछ मिला है। पिछली बार जब अनडेड्स हमारे हेडक्वार्टर से भाग निकले तब मैं कैटाटोनिक शॉक में चली गई और उसने मुझे बहुत बुरी तरह से हर्ट किया। मैं लगभग शट डाउन हो गई। टाइनो वेस्ट इंडीज जहाँ पर कुछ लोग पिकनिक मना रहे थे और एक शिप उनकी तरफ बढ़े जा रही थी। जेनिफर केल आगे बताती है मॉरिबिस ने मुझे ढूंढ निकाला और बताया कि अनडेड में से दो भाग निकले हैं क्वारंटाइन से। मैंने उससे भीख मांगी और कहा मुझे उस टीम में शामिल करो जो उन्हें ट्रैक डाउन करने के लिए जा रही है, और किसी ने उसे इसके लिए ब्लेम नहीं किया। और तब हम देखते हैं जॉम्बी मैन फिश उनकी तरफ बढ़ रहे थे और कह रहे थे सरेंडर करो फ्लैश और सारा फ्लैश खा लिया जाएगा। उन्हें देखकर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जेनिफर केल आगे बताती है फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं एबल थी उसे कन्विंस करने के लिए, तब भी कुछ काम की थी और मैं तैयार थी वो जॉम्बी वेकेनी अपने बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए जो उसने डेवलप की थी। और तब हम देखते हैं वो शिप ब्लास्ट हो जाती है और जेनिफर केल जैक और मॉर्बियस को अपने साथ टेलीपोर्ट कर देती है बीच पर, जिस पर मॉर्बियस कहता है तुमने हमें तो शिप के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया लेकिन हेलस्टॉर्म का क्या, और हेलस्टॉर्म है कहाँ। तब हेलस्टॉर्म उस धमाके से बाहर आते हुए कहता है तुम्हारा कंसर्न अप्रिशिएटेबल है लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं डॉक्टर मॉर्बियस, इस दुनिया की फायर मुझे जला नहीं सकती, तो मैंने खुद उस इंजन को जला दिया लैंडफॉल से पहले। तब मिचेल मॉर्बियस गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है तुम तो हम 100% श्योर थे कि वहाँ पर सर्वाइवर्स है। तब हेलस्टॉर्म कहता है हम 99.9% श्योर थे और हम रिस्क नहीं ले सकते कि रिवेनेंट्स वहाँ से भाग जाए, तो ये एविडेंस है कि तुम्हारा प्राइमरी कंसर्न है तुम्हारे फूड सोर्स की तरफ। तब जेनिफर केल कहती है बॉयज रुको, आइज ऑफ वाका लॉक हो चुकी है रनवे पर और वो इस तरफ गए हैं। तभी वो आगे बताती है ये वुल्फ फेरोमोन्स मुझे अपसेट कर रहे हैं। तब मिचेल मॉर्बियस कहता है इसकी चिंता मत करो, जैक के वापस ह्यूमन बनने के बाद मेरा सोल्यूशन काम कर जाएगा, तुम हमें लीड करो। जेनिफर केल आगे बताती है अगर तुम्हें ये मिला है तो मैं जा चुकी हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है टॉम ऑफ जरेट ना के लिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है उसे सेफ रखने के लिए, स्ट्रांग बनो जो कि मैं नहीं बन पाई और प्रे करो कि मेरी वीकनेस मुझ पर हावी ना हो। ब्रूक को देखते हैं अपने हाइड आउट में जहाँ पर वो पूछता है प्रोग्नोसिस क्या है, जिस पर सेंट्रिस बताता है अगर ये जेन्युइन है तो तुम्हें ये कहाँ से मिले, तुमने हैमर के क्लासिफाइड फाइल्स एक्सेस कैसे किए हुड, जिस पर हुड बताता है मेरे फ्रेंड्स है वहाँ पर सेंट्रियस, तुम्हें यह जानना होगा। तब सेंट्रियस कहता है ठीक है अगर फिगर्स एक्यूरेट है तो मैं कहूँगा तुम्हें ये अभी छोड़ देना चाहिए, ये प्लग वर्लियंस है, ऐसे नंबर्स मैंने कभी नहीं देखे, इसने अदर वर्ल्ड के सारे हीरोज को मार दिया है ना। तब सेंट्रियस कहता है हाँ और ये हमें भी मार सकता है और रेगुलर पीपल्स को भी, इसी वजह से बायोलॉजिकल वेपन्स वॉरफेयर में इस्तेमाल नहीं किए जाते, ऑर्गेनिज्म फ्लैग्स और यूनिफॉर्म्स रिकॉग्नाइज नहीं करते, और अगर वाइंड शिफ्ट हुई तो दोस्तों के साथ साथ दुश्मन भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तभी एक और आदमी कहता है ये तो ऐसा लग रहा है कि ब्लैक टेलॉन हमें एंड ऑफ द वर्ल्ड सेल कर रहा है, वो भी $100 मिलियन पर, अगर मैं गलत हूँ तो बताओ मुझे। वो आगे कहता है आर्मेगेडॉन बिजनेस के लिए बुरा नहीं है। तब डोरमामो कहता है नहीं ये है लेकिन तुमने बहुत समय से वुड ऑफ द निशांति की सर्व की है पार्कर रॉबिन, तुमने सर्व किया है हायर कॉलिंग जो कि है विल ऑफ द ड्रेड डोरमामो लॉर्ड ऑफ द डार्क डायमेंशन, तुम्हारे वर्ल्ड के सॉर्सरर सुप्रीम के स्पेल की वजह से मैं तुम्हारे प्लान में डायरेक्ट एक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारे जैसे थ्राल्स डिप्लॉय किए हैं इस इन्फेक्शन के जरिए जो कि रेवेजर है पूरे यूनिवर्सेस का, मैं तुम्हारी दुनिया पर हुकूमत करूँगा और यह वायरस मुझे चाहिए और जब मुझे चाहिए वो तुम्हें चाहिए पार्कर रॉबिन्स। तब हुड कहता है ठीक है डिसाइड हो चुका है हम काउंटर करेंगे टेलॉन को,
50 मिलियन तक और ज़्यादा से ज़्यादा 75 मिलियन तक। तब साइंटिस्ट कहता है क्या,